पवन शर्मा जी, दिल्ली कितनी तैयार है पानी की समस्या से जूझने के लिए ये जरूर बताइएगा जरा, क्या तैयारियां आप लोगों की? झीलों का शहर जरूर बनाने की बातें हो रही हैं, उसके अलावा मुख्यमंत्री ये भी कहते नजर आए कि 300 एकड़ क्षेत्र में सरकार 26 झीलों का निर्माण करने वाली है और साथ ही साथ वाटर ट्रीटेड पानी जो है वो बढ़ा दिया जाएगा, कैसे, क्या रोड मैप है आप लोगों का? बिल्कुल जीना जी, देखिए ये पानी का मुद्दा बड़ा कॉम्प्लेक्स मुद्दा रहा है। मैं थोड़ा पृष्ठभूमि बैकग्राउंड में थोड़ा जाना चाहता हूं कि 1992 में दिल्ली की एक संधि हुई थी, दिल्ली के पड़ोसी राज्यों से दिल्ली को पानी मिलता रहा है। जितना पानी 1992 में मिलता था उतना ही पानी आज मिल रहा है और कई बार तो उतना पानी भी नहीं हमको मिल पाता। दिल्ली की जनसंख्या बढ़ी, दिल्ली सरकार ने अपना वाटर को रिफाइन करने के लिए प्रोडक्शन बढ़ाया। हमारी सरकार आने से पहले दिल्ली सरकार का प्रोडक्शन जो होता था वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से वो लगभग 880 एमजीडी के आसपास हुआ करता था, लेकिन आज दिल्ली सरकार ने अपना प्रोडक्शन 995 एमजीडी के आसपास पहुंचा दिया है। लेकिन समस्या क्या आती है जीनत जी, दिल्ली सरकार कई मुद्दों पे पानी को बचाने के लिए काम कर रही है, लेकिन आज जैसे हम देख रहे हैं पानी की जिस तरह से किल्लत बढ़ रही है, गर्मियां आने वाली हैं, हरियाणा की तरफ हमारे दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारी गए जब यमुना को हमने सूखा देखा, लेकिन अधिकारियों ने क्या पाया कि हरियाणा की तरफ जाके 8-9 किलोमीटर आगे जाके पूरे एरिया में सैंड माइनिंग हो रही है। उस माफिया ने दिल्ली की तरफ आने वाला पानी रोका हुआ है और वो दिल्ली की तरफ जो पानी थोड़ा बहुत आ भी रहा है वो यमुना जी में जो वेस्ट हरियाणा की तरफ से आ रहा है, दो नाले गिर रहे हैं, वो नाले का पानी आ रहा है वो इतना खराब है कि उसको आप ट्रीट भी नहीं कर सकते। ये हरियाणा की तरफ से आने वाले पानी की स्थिति है। मैं कुछ आंकड़े बता दूं कि जब यमुना में पानी आता है तो दिल्ली सरकार के 3 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं, बहुत बड़े प्लांट्स हैं, वजीराबाद है, चंद्रावल है, ओखला है, ये ट्रीटमेंट प्लांट वहां से यमुना से पानी को पिक करते हैं और दिल्ली के उस पानी को रिफाइन करके दिल्ली के आबादी भेजने का काम करते हैं। लेकिन ये अमूमन तौर पे देखा जाए यमुना जी का स्तर लगभग 674.5 फीट समुद्र तल से इतना होना चाहिए। अगर आम शब्दों में, आम भाषा में बात करें, लगभग 7 से 8 फीट जब पानी यमुना जी में होता है उसको नॉर्मल बोलते हैं। लेकिन अगर आज यमुना जी की तरफ आप जाएंगे, यमुना जी सूखी पड़ी है, सोचिए आधा फुट भी पानी नहीं है और हमारे जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है वो पूरी कैपेसिटी से काम ही नहीं कर पा रहे हैं। हमारा सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से हाथ जोड़ के विनती ये है कि पानी जैसे संवेदनशील मुद्दे पे राजनीति ना करें। राजनीति करने के लिए बहुत सारे मुद्दे आपके पास है, दिल्ली ये तो राजधानी है। ठीक है, आपने समस्याएं बताई है, मैं जब दोबारा आऊंगी तो आप जरूर बताइएगा कि आप लोग क्या करने वाले हैं।